बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 60, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 5, 9। पेज नंबर 394। क्वेश्चन नंबर 14, शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्यू प्लस पी की पावर 3। कि मीन वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है ऑफ क्यू प्लस पी की पावर 3 की। वी नो दैट इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यू प्लस पी की पावर किसके इक्वल होता है बेटा, एन के इक्वल होता है। कंपेयरिंग क्यू प्लस पी की पावर 8, बेटा इस क्यू प्लस पी की पावर 8 का कंपैरिजन करना है किसके साथ, q प्लस p की पावर n के साथ। तो n हमारे पास बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल। p किसके इक्वल आएगा बेटा, p के इक्वल। और q किसके इक्वल आ जाएगा, q के इक्वल। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन बेटा np के इक्वल होता है और वेरिएंस np q के इक्वल होता है। तो यही n की वैल्यू क्वेश्चन 1 और 2 में पुट करवा देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 8 एंड 1 एंड 2 वी गेट मीन। तो मीन हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा, 8p के इक्वल। और वेरिएंस np q किसके इक्वल आ जाएगा, 8p q के इक्वल। जस्ट बेटा क्या करना है कि हमने n की जगह पे n की वैल्यू 8 पुट करवा देनी है। तो मीन क्या हो जाएगा, 8p, और वेरिएंस क्या हो जाएगा, 8p q। कंपैरिजन करना है किसका, q प्लस p की पावर n का q प्लस p की पावर 8 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए फाइन डे इज 0.7, के प्रोबेबिलिटी फाइन डे की किसके इक्वल है, 0.7 के इक्वल है। तो पी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0.7 के इक्वल आ जाएगा। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर, हमने एक्सपेक्टेड नंबर मालूम करना है। एक्सपेक्टेड नंबर किसे कहते हैं बेटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को कहते हैं या मीन को कहते हैं। ऑफ ए फाइन डे इन ए वीक, एक वीक में, एक वीक में बेटा कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो एन किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। तो बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एनपी के इक्वल होता है। एन हमारे पास 7 है मल्टीप्लाइड बाई पी हमारे पास 0.7 है। तो 7 को 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ हमारे पास निकल आएगी जो किसके इक्वल है, 4.9 के इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और वेरिएंस मालूम करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इफ एन इज इक्वल टू 6, जबकि एन किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। और पी इज इक्वल टू 0.6, और पी हमारे पास किसके इक्वल है, 0.6 के इक्वल है। तो बेटा सबसे पहले क्यू निकालेंगे, क्यू किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी। 1 एज इट, माइनस का साइन एज इट, पी की जगह पे उसकी वैल्यू 0.6 आ जाएगा। 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो बेटा 0.4 आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या निकली, 0.4। तो मीन मालूम करेंगे बेटा, मीन किसके इक्वल होता है, एनपी के। तो एन की जगह पे उसकी वैल्यू 6 मल्टीप्लाइड बाई पी की जगह पे उसकी वैल्यू 0.6। 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 3.6। तो हमारे पास मीन क्या निकलेगा, 3.6 निकलेगा। अब बेटा वेरियस मालूम करेंगे, वेरियस किसके इक्वल होता है, एनपी क्यू के इक्वल होता है। एन हमारे पास बेटा 6 है, पी हमारे पास 0.6 है, और क्यू हमारे पास 0.4 है। 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वेरियंस हमारे पास आ जाएगा 1.44। यही हमने बेटा मालूम करना था मीन और वेरियंस। मीन क्या निकला है, 3.6, और वेरियंस 1.44। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, पेज नंबर 394 पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बेबी इज 0.47, के पी हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है, 0.47 की इक्वल है मेल बेबी की। द प्रोबेबिलिटी दैट इन फैमिली ऑफ 4 चिल्ड्रन, हमने कितने चिल्ड्रन लिए हैं, एन इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन लिए हैं। देयर आर एट लीस्ट 2 गर्ल्स, हमने किसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, एट लीस्ट 2 गर्ल की मालूम करनी है। एट मोस्ट 3 बॉयज, और एट मोस्ट 3 बॉय की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले बेटा क्यू मालूम करेंगे, क्यू किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी के। तो 1 माइनस पी की जगह पे पी की वैल्यू आ जाएगी 0.47। 1 में से 0.47 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.53 हमारे पास क्यू निकल आएगा। बेटा यहाँ पे सिर्फ सोचने वाली एक बात है कि ये प्रोबेबिलिटी जो उसने दी है, उसने मेल की दी हुई है। तो मेल क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी 0.47 है। नीचे वो पूछ रहा है एटलीस्ट 2 गर्ल्स, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो बेटा इस गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी को किस में कन्वर्ट करना है, मेल की प्रोबेबिलिटी में।
उसने कहा एट लीस्ट टू गर्ल्स। तो बेटा जैसे टेबल बनाएंगे गर्ल्स बॉय का, अगर हमारे पास एट लीस्ट का मतलब होता है टू गर्ल्स का कि दो या दो से ज्यादा गर्ल्स, अगर दो गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे, दो होंगे क्योंकि एन हमारे पास फोर है। अगर थ्री गर्ल्स होंगी तो बॉयज एक होगा, अगर फोर गर्ल्स होंगी तो बॉयज जीरो होगा। तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी मालूम करेंगे बेटा, जीरो वन और टू की मालूम करेंगे। क्यों जीरो वन टू की मालूम करेंगे, क्योंकि पी हमारे पास किसका है, बॉयज का है, मेल का है, इसलिए हम इस गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी को मेल में कन्वर्ट करेंगे। तो पी ऑफ एट लीस्ट टू गर्ल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पी ऑफ एट मोस्ट टू गर्ल्स, एट मोस्ट टू गर्ल्स बॉयज में कन्वर्ट हो जाएगी कि दो या दो से कम। तो पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू मालूम करेंगे। और सेकेंड पार्ट में उसने प्रोबेबिलिटी हमें कहा था कि एट मोस्ट थ्री बॉयज, तो पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री मालूम करेंगे। तो बेटा फार्मूला क्या था बाइनोमियल का, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और एक्स की रेंज क्या होती है जीरो वन टू से लेकर एन तक। फर्स्ट पार्ट है बेटा कि पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू हमने टू मालूम करना है, इसका मतलब है दो या दो से कम। दो या दो से कम क्या होता है जीरो वन और टू, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू। तो बेटा फार्मूला में वैल्यू पुट करवाएंगे, फार्मूला क्या होता है एन सी एक्स, एन हमारे पास फोर है तो सी एक्स हमारे पास जीरो, तो जीरो आ जाएगा। पी की पावर एक्स, पी हमारे पास बेटा पॉइंट फोर सेवन है तो पावर एक्स में जीरो आ गया। क्यू की पावर एन माइनस एक्स, क्यू हमारे पास बेटा पॉइंट फाइव थ्री निकला था, उसकी पावर एन माइनस एक्स आ जाएगा। तो एन हमारे पास बेटा यहाँ पे जीरो जो लिखा हुआ है एन माइनस एक्स, तो फोर माइनस जीरो ये बेटा आप कर लेना, यहाँ पे फोर माइनस जीरो कर लेना, ठीक है, ये जीरो लिखा है फोर माइनस जीरो कर लेना है प्लस। उसके बाद सिर्फ जस्ट क्या करना है, जहां पे वन पुट करवाया वहां पे जीरो पुट करवाया, वहां पे वन पुट करवा देंगे। तो फोर सी वन पॉइंट फोर सेवन की पावर वन पॉइंट फाइव थ्री की पावर फोर माइनस वन। उसके बाद नेक्स्ट प्लस का साइन एज इट, फिर नेक्स्ट क्या करना है बेटा, जहां पे वन पुट करवाया एक्स की वैल्यू, वहां पे एक्स की वैल्यू टू पुट करवा देंगे। फोर सी टू पॉइंट फोर सेवन की पावर टू पॉइंट फाइव थ्री की पावर फोर माइनस टू। अब बेटा क्या करना है, अब सारा काम कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे कि कैलकुलेटर से बेटा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फोर सी जीरो ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट स्टार्ट पॉइंट फोर सेवन की पावर ब्रैकेट पॉइंट फोर सेवन फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है, कैप का साइन देना है, पावर में जीरो तो जीरो डाल देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट पॉइंट फाइव थ्री फिर ब्रैकेट क्लोज फिर कैप का साइन फोर माइनस जीरो तो पावर में कैप डाल के फोर डाल देंगे, इक्वल का साइन देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 0.0789। उसके बाद बेटा प्लस का साइन एज इट आ जाएगा, नेक्स्ट भी ऐसे सेम कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना है, ब्रैकेट स्टार्ट फोर सी वन ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट स्टार्ट पॉइंट फोर सेवन ब्रैकेट क्लोज कैप डाल के पावर वन फिर ब्रैकेट स्टार्ट पॉइंट फाइव थ्री ब्रैकेट क्लोज फोर में से वन जाएगा तो थ्री बचेगा, कैप डाल के थ्री डालना है, इक्वल का साइन देना है तो पॉइंट टू सेवन डबल नाइन हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। प्लस का साइन एज इट, इसको भी बेटा कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है, फोर सी टू पॉइंट फोर की पावर टू और पॉइंट फाइव थ्री की पावर फोर माइनस टू, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पॉइंट थ्री सेवन टू थ्री। अब ये तीनों प्रोबेबिलिटी प्लस हो रही है तो इनको प्लस कर लेंगे, 0.0789 प्लस 0.2799 प्लस 0.3723, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकल आएगी पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू की किसके इक्वल है 0.7311 के इक्वल है। उसके बाद बेटा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमने मालूम क्या करना है कि पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, तीन या तीन से कम की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो क्या तीन या तीन से कम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, वही फार्मूला सेम बेटा, उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करवा देनी है, जीरो वन टू की प्रोबेबिलिटी ये सेम ऐसे आ जाएगी। जस्ट क्या करना है, प्लस का साइन कि एक्स थ्री की जगह पे जहाँ पे बेटा आपने वन और टू पुट करवाया वहाँ पे क्या पुट करवा देंगे, एक्स की जगह पे थ्री पुट करवा देंगे। बेटा जीरो वन टू के आपने आंसर ऊपर निकाले हुए होंगे, वही आंसर आपने लिख देना है, प्लस थ्री, ये थ्री का आंसर आपने निकाल लेना है पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री का। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर से ब्रैकेट स्टार्ट फोर सी थ्री ब्रैकेट क्लोज पॉइंट फोर सेवन ब्रैकेट क्लोज फिर कैप का साइन थ्री फिर ब्रैकेट स्टार्ट पॉइंट फाइव थ्री ब्रैकेट क्लोज फोर में से बेटा थ्री जाएगा तो वन बचेगा, कैप डाल के पावर में वन डाल देंगे तो 0.201 आ जाएगा। अब ये बेटा सारी प्रोबेबिलिटी प्लस हो रही है, इन वैल्यूज को प्लस कर लेंगे, 0.0789 प्लस 0.2799 प्लस 0.3723 प्लस 0.2201, तो हमारे पास पी एफ एक्स लेस देन थ्री की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू थ्री पर पी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी जो किसके इक्वल है 0.9512 के इक्वल है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।